हेलो ऑल, दिस इज़ हर्षा फ्रॉम वनहा ऑर्गेनिक्स एंड हर्बल्स। तो आज काफ़ी दिन बाद मैं ऑनलाइन आई हूँ। ड्यू टू दिस क्वारंटाइन डेज मैं भी थोड़ा सा क्वारंटाइन हो गई थी, तो सोचा कि चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा चीज़ें ओपन हुई है तो हम बात कर सकते हैं। तो इतने दिनों में मैंने काफ़ी सारे लोगों के देखे, बहुत सारे पोस्ट देखती रहती थी। कुछ मेरे पास कस्टमर आते थे, इश्यूज़ हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स नहीं है उनके पास में, क्या करें क्या नहीं करें। तो समर्स भी चल रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा ड्राई स्किन हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। साथ में अब ये समर हो गया है तो टैन का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होगा। तो कैसे करें, कैसे स्किन की देखभाल करें? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि गर्मियों में हमेशा एलोवेरा के प्रोडक्ट यूज़ करें। जितना भी समर्स में हमेशा आप एलोवेरा वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करें, हो सके तो एलोवेरा लोशन। अगर वना ऑर्गेनिक से आपको लेना है तो आप वना ऑर्गेनिक का एलोवेरा लोशन प्रेफर करें, बहुत ही अच्छा है। टैनिंग प्लस ये ड्राइनेस को बहुत दूर करता है, साथ में आपकी स्किन को भी बहुत अच्छा कर देता है, काफ़ी स्मूथ स्किन कर देता है। तो ये मैं रिकमेंड करूँगी। और रही बात अगर अभी आपको प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप कुछ भी अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो दो तीन मैं फूड इंग्रेडिएंट्स से बनने वाले घर पे आप उस क्लिंजर को बना सकते हैं और रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ले सकते हैं, लाइक अगर आपके पास तिल है, तिल है अगर आपके पास घर में, तो आप उसको पीस लें और उसमें थोड़ा सा ग्लीसरीन अगर आपके पास घर में अवेलेबल है वो डालें, नहीं तो कोकोनट ऑयल थोड़ा सा डालें। और साथ में अगर कोई एसेंशियल ऑयल है अगर आपके पास है तो आप उसमें डाल सकते हैं। वरना किसी भी फ्रूट का इवन अगर ऑरेंज का हल्का सा जूस अगर आप उसमें डाल देते हैं तो वेल एंड गुड है। उसको आप पानी के साथ थोड़ा मिक्स कर लीजिए, उसको आप एज मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। और चाहे तो आप उसको सूखा रखिए, उसमें कुछ मिलाइए मत, और उसको रेगुलर आप फेस वॉश के लिए थोड़ा सा हल्का सा अमाउंट लेकर के उसमें थोड़ा पानी मिक्स करके और रेगुलर आप फेस वॉश कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और साथ में ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो रहते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी रेगुलर देखभाल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर ब्रांड प्रोडक्ट नहीं है या फिर आपके पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं, तो आप इस तरह से देखभाल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एक टिप मैं बालों के बारे में भी देती हूँ, हेयर्स के बारे में मैं काफ़ी सुन रही हूँ लोगों को। फिर से यदि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, तो स्पोर्ट्स में मत लीजिए। लेकिन अगर आपको बहुत डेंस प्रॉब्लम है तो वो आपके, ऑब्वियसली मैं बार बार कहती हूँ कि आप जो हार्मफुल केमिकल यूज़ करते हैं, आप जो प्रोडक्ट्स, कॉमन प्रोडक्ट्स जो मार्केट में मिलते हैं, जो भी ब्रांड्स हैं आप जो यूज़ करते हैं नेचुरल के नाम से, हर्बल के नाम से, उसमें सब में सल्फेट बेस का यूज़ होता है, जो कि आप अवॉइड करें। आप जितना उसे अवॉइड करेंगे उतनी ही जल्दी आपके हेयर की क्वालिटी ठीक होगी और आपके हेयर फॉल होना कम होगा। आप जितना ज़्यादा दिनों तक उसको इस्तेमाल करेंगे आपके हेयर रूट्स और फॉलिकल्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और फिर ऑब्वियसली बाल्डनेस की प्रॉब्लम होगी और साथ में और भी चीज़ें इश्यूज़ होंगे, तो तब आप उसको उस कंडीशन में ठीक नहीं कर सकते। तो ये है मेरे टिप्स फॉर समर्स। आप कोशिश करिए और नेक्स्ट टाइम मैं हेयर के लिए आपके पास आती हूँ। टेक केयर, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे क्वारंटाइन, डोंट गो आउटसाइड फ्रॉम योर होम एंड स्टे एट योर होम। सो बाय बाय, टेक केयर।